हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बच्चे पिता के साथ जोधपुर में, मां पाकिस्तान में अटकी। लॉकडाउन व भारतीय दूतावास की लेट लतीफी के कारण परिवार बिछड़ा। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास की लेट लतीफी व लॉकडाउन में वीजा नहीं बढ़ाने के कारण एक परिवार बिछड़ गया। तीन मासूम बच्चे अपने पिता के साथ भारत पहुंच गए, लेकिन उनकी मां को पाकिस्तान में ही रोक दिया गया। अब ये बच्चे अपने पिता के साथ जोधपुर में रह रहे हैं। वहीं पिता अब उनकी मां को लाने के लिए दौड़ धूप कर रहा है। दरअसल लीला राम माली फरवरी माह में अपनी पत्नी जनता माली व तीन बच्चों के साथ पाकिस्तान के मीर खासपुर गया था। जनता माली मूलतः पाकिस्तान की है और शादी के बाद पिछले करीब 10 साल से जोधपुर में रह रही हैं, लेकिन आज तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली। पाकिस्तान में जनता माली की मां की तबीयत खराब थी, जिसके कुशलक्षेम पूछने के लिए पूरा परिवार गया था। इस बीच कोरोना के कारण भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन बंद हो गई। इससे अप्रैल में लीला राम व उनके तीन बच्चों की वीजा अवधि समाप्त होने पर बढ़ा दी गई, लेकिन उनकी पत्नी जनता, जो कि पाकिस्तान नागरिकता हासिल थी, इनका वीजा रिन्यू नहीं किया गया। इस कारण लीला राम अपनी तीन बच्चों कुलदीप 9 वर्ष, मोहित 8 वर्ष और कंचन 6 वर्ष को लेकर एक सप्ताह पहले हिंदुस्तान आ गया। अब यहाँ सरकारी अधिकारियों के पास चक्कर लगाकर अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगा रहा है। इसके लिए उसने सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोड़ा के समक्ष भी गुहार लगाई है। हिंदू सिंह सोड़ा ने भी इस मानवीय मुद्दे को लेकर भारत सरकार से मांग की है। वो पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास को उचित निर्देश देकर बिछड़े हुए परिवार को मिलने की ओर कदम बढ़ाए। ये लॉकडाउन व परिस्थिति के कारण वहाँ फंसे, इनमें इनका दोष नहीं है। सर, आपसे विनती है, मेरा बच्चों का, मेरे पति का नाम आया है, मेरा नहीं आया। इसको जाने दे रहे, मुझको जाने नहीं दे रहे। मेरे बच्चे रो रहे हैं, मुझको जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे मेरे बगैर वहाँ पे नहीं रहेंगे। उधर कौन है मेरे बच्चे को जो उनको वहाँ संभालेंगे? इधर मेरा कोई नहीं है। मैं इधर कहाँ से कहाँ रहूँगी, किसके साथ रहूँगी? मुझको जाना है। नहीं हमारे पास कोई जगह है बैठने के लिए, नहीं हमारे पास पैसे है। अब हम जाए तो हम कहाँ जाए? परिवार जो कि जोधपुर में रह रहा है, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यहाँ से पाकिस्तान गया, फरवरी की बात है। और उसमें से जो लीलाराम माली हैं और उनके तीन जो मासूम बच्चे हैं, ये तो भारतीय नागरिक थे। और उनकी जो पत्नी है जानता, वो पाकिस्तान की सिटीज़न है, लेकिन लॉन्ग टर्म वीज़ा पर आप ताज्जुब करेंगे, 12 साल से यहाँ पर रह रही है। और वो यहाँ पर एक जो प्रोविज़न है कि अगर पाकिस्तानी सिटीज़न वहाँ जाना चाहता है तो उसके लिए नोरी वीज़ा, नो ऑब्जेक्शन ऑन रिटर्न टू इंडिया का है प्रावधान है। तो उसके तौर पर वहाँ पर वो गई। अब वहाँ पर लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन की वजह से जो है वो सब लोग वहाँ पर रोके गए, लेकिन जिनको पाकिस्तानी दूतावास ने वीज़ा दिया था इंडियन सिटीजन्स को, उनको तो उन्होंने स्पेशल परमिशन दे करके रवाना कर दिया। लेकिन जो पाकिस्तानी सिटीज़न थे और जो MHA के गृह मंत्रालय के नोरी वीज़ा के प्रोविज़न के अंतर्गत गए थे पाकिस्तान, उनको भारतीय दूतावास का एक दायित्व तो बनता था कि वो वहाँ से रोकते, वहाँ से इजाज़त देते और यहाँ पर रवाना करते, उनकी रवानगी करते। लेकिन वो रवानगी उनकी नहीं हो पाई, इसलिए पूरा परिवार बिछड़ गया है। हमारी भारत सरकार से ये गुजारिश है कि वो अपने दूतावास को उचित निर्देश दे, खास करके विदेश मंत्रालय से और गृह मंत्रालय से भी, क्योंकि नोरी वीज़ा गृह मंत्रालय ने दिया है, तो उनको यहाँ का आने का रास्ता प्रशस्त हो सके और ये जो बिछड़ा हुआ परिवार है वो आपस में मिल सके। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।